स्वागत है आपका हमारे इस इलेक्ट्रिकल सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मोटर प्रोटेक्शन। सबसे पहला जो मोटर था उसे थॉमस डेवनपोर्ट ने 1837 में पेटेंट करवाया था, और एसी पॉलीफेज मोटर का पेटेंट 1888 में निकोला टेस्ला ने करवाया था। वर्ल्ड में ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ 7.5 बिलियन है, वहीं पर मोटर्स की संख्या उससे 33% ज़्यादा यानी कि 10 बिलियन है। वर्ल्ड का टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन में से 25 कंजम्पशन अकेले मोटर करता है। दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलग किया हुआ है यहाँ पे, और एक ऑयल एंड गैस एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज को अलग किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 75% मोटर के द्वारा करता है, और वही 90% हो जाता है ऑयल एंड गैस और माइनिंग इंडस्ट्रीज में। जितनी भी मोटर्स अवेलेबल है उसका 90% मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, जिसे हमने इस पार्ट में लिया हुआ है। जो मोटर्स का एप्लीकेशन जहां रहता है वह फैन, ब्लोअर, पंप, कंप्रेसर, ग्राइंडर, कन्वेयर इत्यादि। तो मोटर का फेल्योर का रेट अपनी इंडस्ट्री में 3 से 5% रहता है। यदि आपके पास 100 मोटर है तो एक डेटा आया है कि उसमें से 3 या 5 मोटर का ब्रेकडाउन होगा। मोटर की जो फेल्यूअर्स होती है या ब्रेकडाउन होती है उसे 3 पार्ट में कैटेगराइज कर करें तो इलेक्ट्रिकल के कारण 33%, मैकेनिकल के कारण 31%, और इन्वायरमेंटल या अदर मेंटेनेंस न हो टाइम पे तो उसके कारण 36% रीजन रहता है। यदि कोई मोटर फेल हो तो उसके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस आते हैं, जो प्रोडक्शन के लॉस के द्वारा हो या उसका रिपेयर करना हो या रिप्लेसमेंट करना हो, उसकी रिमूवल कॉस्ट आती है, फिर रीइंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जो कि काफ़ी हाई वैल्यू होते हैं। यदि उसका कॉस्ट निकाला जाए तो उसके लिए प्रोटेक्शन हमें हाई रखने पड़ेंगे, जिससे कि मोटर फेल ना हो। जो मोटर के प्रोटेक्शन रखे गए हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि थर्मल ओवरलोड, उसके 3 टाइप, प्रोसेस कॉज थर्मल ओवरलोड हो सकता है, हाई एम्बियंट कंडीशन या पावर सप्लाई का इश्यूज हो, तो 3 टाइप का थर्मल ओवरलोड को कैटेगराइजेशन किया जाता है। दूसरा है फेज फॉल्ट। फेज फॉल्ट यानी कि उसका ओवर करंट प्रोटेक्शन आएगा, फेज टू फेज फॉल्ट हो गया या फेज टू अर्थ हो गया, शॉर्ट सर्किट, इसे मेनली कहा जाता है। ग्राउंड फॉल्ट। फोर्थ आता है एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जैसे कि ओवर एंड अंडर वोल्टेज, अंडर फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज एंड करंट अनबैलेंस, लोड लॉस, जैमिंग, जॉगिंग, तो इन सब का प्रोटेक्शन हमें करना चाहिए। थर्मल स्ट्रेस, मतलब नॉर्मल मोटर में कोई भी लोड आए, कोई भी फॉल्ट आए, मोटर का अंदर का टेम्परेचर बढ़ता ही है, या ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, मोटर जैमिंग हो, फेज लॉस हो, कोई भी हो, मोटर के अंदर का इंटरनल हीट बढ़ेगा, यानी कि थर्मल स्ट्रेस अंदर का मोटर का बढ़ेगा। कोई भी मोटर यदि एक क्लास के लिए डिजाइन है, सपोज करिए एक क्लास के लिए डिजाइन है, तो वह कंटिन्यूअस 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले सकता है। बट यदि 10% इंक्रीज में अगर इसे लिया जाए, तो जो एक क्लास का मोटर है डिजाइंड है 105 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, यदि वो कुछ समय के लिए ओवरलोड हो और 115 डिग्री सेंटीग्रेड ले, तो उसकी जो लाइफ कैपेसिटी होती है वो 50% तक डिक्रीज हो जाती है। तो मोटर में थर्मल स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, और हमें ये ट्राई करना चाहिए कि मोटर जितना इंटेंडेड, जितना डिजाइन टेम्परेचर के लिए बना हो, उससे कभी भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा न होने दें। अब आते हैं उसके प्रोटेक्शन के ऊपर, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। उसके पहले जानेंगे सर्विस फैक्टर। ये एक नेम प्लेट लिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है सर्विस फैक्टर 1.15। इसका मतलब होता है कि मोटर अपनी डिजाइन कैपेसिटी से 115% तक पीरियोडिकली, यानी कि कुछ समय के लिए ओवरलोड लेकर इतने में चल सकता है बिना मोटर को डैमेज किए हुए। तो अब हमारा बीमर रिले या कोई रिलेज रहता है जिसमें हम सेटिंग करते हैं कि मोटर डिजाइंड है 10 एम्पीयर करंट लेने के लिए, जब एक्सेसिव लोड हुआ या ओवरलोड हुआ तो वो उस समय 11.5 तक लेगा। तो उसकी जो ट्रिपिंग हम सेलेक्ट करेंगे वो उसी के हिसाब से होगी कि भाई हाँ हमें कितना ओवरलोड तक उसे अलाउ करना है। तो उस तरीके से थर्मल ओवरलोड, जो प्रोसेस कॉस्ट होते हैं जो एक्सेसिव लोड के कारण होते हैं, उससे प्रोटेक्शन किया जाता है। एम्बियंट कंडीशन, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर्स अराउंड 40 टू 50 डिग्री तक भी जाते हैं, और
सिस्टम में मोटर रनिंग है तो उसका भी हीट इंटरनली रहता है, तो ये दोनों हीट एडअप होकर मोटर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके कारण भी फेलियर्स देखे गए हैं। तो अब जो टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके दो टाइप के हमने प्रोटेक्शंस देखे, एक तो BMR के थ्रू जो करंट को कंट्रोल करता है, दूसरा मोटर के अंदर में इनबिल्ट थर्मिस्टर्स रहते हैं या थर्मल प्रोटेक्टर्स रहते हैं जो मोटर के इंटरनल टेम्परेचर्स को इंक्रीज होने से बचाते हैं। जैसे कोई भी मोटर अगर डिजाइंड है 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम वो मैक्सिमम रेजिस्टेंट कर सकता है अपने टेम्परेचर्स को, तो उसके अंदर में हम थर्मिस्टर्स लगा के रखते हैं या इनबिल्ट आते हैं जो आप डिजाइन कर रहे हो, तो आप जो मैन्युफैक्चरर है उसे बोलेंगे मोटर को कि भाई मुझे ये थर्मिस्टर्स लगा के दो, तो वो लगा के भी आपको देंगे, तो 145 डिग्री तक विदिस्टेंड कर सकता है। तो हम जो थर्मिस्टर्स लगाएंगे उसकी सेटिंग 140 डिग्री सेंटीग्रेड रख दी, तो जैसे ही 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो पहुंचेगा, टी जो सर्किट में दिख रहा है टी विल एनो, एनो मीन्स वो स्टॉप स्टार्ट सर्किट से रहेगा, तो उसकी जो कॉन्टेक्टर K1 है वहां तक सप्लाई नहीं पहुंचेगा, तो टी सर्किट विल ओपन और जो पावर कॉन्टेक्टर है वो ओपन हो जाएगा और आपका मोटर में सप्लाई नहीं जा रहा और वो ट्रिप होने से या मोटर जलने से बच जाएगा। ये थर्मिस्टर कौन से टाइप के थर्मिस्टर्स होते हैं वो दिए हुए हैं, PTC 100 या वगैरह कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अलग से, जो इनबिल्ट ना हो तो बाहर से भी आप इसे लगा सकते हैं। पावर सप्लाई इश्यूज, नेगेटिव सीक्वेंस करंट यदि मोटर में फ्लो हो रहा है तो भी मोटर के इंटरनल टेम्परेचर से वो बढ़ती है, उसका मोटर का स्ट्रेस बढ़ता है। करंट अनबैलेंस हो, यदि मोटर किसी कारणवश दो फेज में ज़्यादा करंट ले रहा है और एक फेज में कम, तो दो फेज में रेटेड करंट कैपेसिटी से ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो भी उसमें हीट स्ट्रेस जनरेट होगी। अनबैलेंस सप्लाई, सिंगल फेजिंग हो गया हो या लूज कनेक्शन आपने कर दिए हो, इनकरेक्ट फेज रोटेशन हो, टर्न टू टर्न फॉल्ट हो, तो इन सब के कारण थर्मल ओवरलोड इंक्रीज होता है। तो इसे प्रोटेक्शन करने के लिए सीटीज लगाए जाते हैं, जो आप देख रहे हो ड्राइंग में तीन सीटी लगाया हुआ है। ये तीन सीटीज उसके करंट को सेंस करते हैं ईच एक एक फेज को, जैसे एक फेज 10 एम्प करंट लेने के लिए इंटेंडेड है, तो यदि कोई भी फेज का करंट यदि इंक्रीज होता है, जो फुल लोड करंट है 20-25% जो भी आप सेटिंग रखेंगे, जैसे ही कोई भी सीटी सेंस करेगा तो वो इसके सर्किट को ट्रिप करा देगा थर्मल ओवरलोड पे। ये उसकी सर्किट दिखाई गई है कि किस तरह से सेंस करेगा और कैसे ट्रिप करेगा, ट्रिप सर्किट में उसका कैसे एक NONC लिया हुआ है। जो थर्मल ओवरलोड रिले होते हैं उसे 49 से डिजिनेटेड किया हुआ है, जो ऑपरेट हो जाता है फॉल्ट कंडीशन पे, ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन। जो मोटर है, मोटर के न्यूट्रल का ग्राउंड में कनेक्शन होना या फेज से ग्राउंड में कनेक्शन होना या जो करंट पाथ होती है इंटेंडेड वो चेंज हो जाती है और ग्राउंड से फ्लो होने लगता है, उसे ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। तो ग्राउंड फॉल्ट को ये प्रोटेक्ट करने के लिए दो टाइप से मेथड है, एक है ZCT मेथड और दूसरा हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। जो बेस्ट मेथड मानी गई है वो ZCT कनेक्शन मानी गई है। ZCT कनेक्शन में आप ड्राइंग में देख रहे होंगे कि एक हर एक कोर में हर एक फेज में एक सीटी लगा हुआ है और एक ग्राउंड सीटी जो तीनों कोर यानी कि जो केबल आएगा उसमें एक रहेगा और ये तीनों एक एक कोर में लगे हुए हैं। ये तीनों चारों सीटी मोटर रिले को अपना फीडबैक्स देते हैं। यदि मोटर का केबल बैलेंस है यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोटर तीनों फेज में सेम करंट ले रहा है, यदि कोई भी फेज में ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो वो सीधा ग्राउंड से फ्लो होगा और सेंस ये सीटीज जो हैं वो सेंस कर लेंगे। तो ये सीटीज का फीडबैक रिले में दिया हुआ है, तो रिले के पास जब ये फीडबैक आएगा तो वो इसे ट्रिप करने के लिए कमांड दे देगा। ये दूसरा है रेसिड्यूअल ग्राउंड फॉल्ट कनेक्शन, जो लेस सेंसिटिव होते हैं ZCT कनेक्शन से। कोई बड़े मोटर्स हों जिसमें दो या तीन केबल्स रहते हैं, वो ZCT के विंडो में फिट नहीं हो पाते, उस समय ये कनेक्शन किया जाता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मोटर के कोई भी मोटर रहेगी उसके तीन वाइंडिंग होती है, उसका दो एंड होते हैं, जैसे R है तो R1 R2 उसके दो एंड होंगे, Y फेज है तो Y1 Y2 दो फेज होंगे, यहाँ पे ABC लिया हुआ है। तो एक
वाइंडिंग के स्टार्टिंग में जो सीटी है उसे लिया, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल फेज टू फेज और इंटरनल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में इसे फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन कहा गया है। आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए कोर बैलेंस मेथड, जो एक मेथड हम अभी समझा रहे हैं उसे कोर बैलेंस मेथड कहा जाता है। टू सेट्स ऑफ सीटीज, आइदर वन सेट ऑफ थ्री कोर बैलेंस सीटी को भी इसमें यूज किया जाता है, जो हर एक वाइंडिंग के दोनों एंड, एक एंड जो मोटर में इन हो रहा है, फेड इन हो रहा है, और दूसरा जो फेड आउट होकर स्टार कनेक्शंस बना रहे हैं, तो उन दोनों में एक एक सीटी को लगाया गया है। यदि तीनों फेज बैलेंस रहेंगे, बैलेंस रहेंगे मीन्स मोटर के अंदर करंट इन, मोटर का करंट आउट, वो दोनों ही एक सीटी सेंस करता है उसका डिफरेंस। तो इन सब की जो सेटिंग्स होती है वो इंटेंडेड कि भाई कितनी तक हम इसको सेटिंग रखना है, उतनी सेटिंग के बाद यदि मोटर को फीडबैक मिलता है मोटर रिले को, तो वो एक्चुएट करता है और उसे ट्रिप कर देता है। दूसरा है समेशन मेथड ऑफ सिक्स सीटीज, इसमें अलग अलग 6 सीटी लिए जाते हैं, एक मोटर का जो सप्लाई आ रहा है फेड इन में, और एक जो मोटर वाइंडिंग का दूसरा एंड है जो स्टार में बाद में कन्वर्ट हो रहा है उसमें एक लगाते हैं, और डिफरेंशियल फेज ए सी टी, डिफरेंशियल फेज ए सी टी, ये दोनों एक दूसरे के करंट्स को कंपेयर करते हैं। आगे देखिए, दोनों कंपेयर करके जो रिजल्टेंट करंट है वही मोटर रिले को जाने देंगे। सिमिलरली मोटर फेज बी सी टी, सिमिलरली मोटर फेज सी सी टी, तीनों काम करते हैं और अपना डिफरेंशियल करंट ही मोटर रिले में जाने देते हैं, और वो डिफरेंशियल करंट जितना इंटेंडेड है या जितनी सेटिंग में है उससे ज़्यादा हो तो अगेन वो मोटर को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में ट्रिप करते हैं। अगेन ये मोटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन उसके इंटरनल फेज टू फेज और इंटरनल फेज टू अर्थ के लिए ही काम करेगा। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन यानी कि फेज टू फेज, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो, तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तब नॉर्मल रेटेड करंट से ज़्यादा करंट वो फीडर से ड्रॉ करते हैं, तो फीडर से जब ज़्यादा करंट ड्रॉ की तब अगेन आपका जो बीएमआर रिले है वो काम में आएगा, और उसकी सेटिंग्स जितनी है इंटेंडेड से ज़्यादा होगी तो वो उसे ट्रिप करेगी। इसमें मेन इश्यूज क्या आता है कि जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो मोटर अपने नॉर्मल करंट से 1.6 से 1.7 टाइम्स करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है, कभी कभी कोई कोई जो मोटर्स हैं वो 6 टाइम्स 7 टाइम्स भी ड्रॉ करते हैं। तो एक टाइम डिले दिया जाता है कि भाई ड्यूरिंग स्टार्टिंग में इसे हम थोड़ा सा वे ऑफ करें, तो उसके लिए जो हमारे केबल्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि रिले हो गया या ब्रेकर्स हो गया, वो उतने टाइम के लिए विदस्टैंड कर पाए, एंड देन वो तो फिर नॉर्मलाइज हो जाता है 2-4 सेकंड के बाद। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये पीटीज लगे होते हैं जो वोल्टेज को सेंस करते रहते हैं, जैसे ही वोल्टेज हमारा 10% से ज़्यादा होगा यानी कि 110 हो जाएगा तो मोटर को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन पे ट्रिप करेंगे। सिमिलरली अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सेम सीटीज, उसकी सेटिंग हम 80-90% तक लेते हैं, जब अंडर वोल्टेज सेंस होता है तब तो वो अंडर वोल्टेज पे ट्रिप करेगा। स्टेटर आरटीडी पहले भी हमने देख लिया, आरटीडी इंटरनल बिल्टअप भी रहते हैं, बाहर से भी इंस्टॉल होते हैं। इसके अलावा स्टार्ट इनहिबिट, यानी कि जब मोटर पहले ही हॉट है या एक रेटेड जितनी उसकी हीट होनी चाहिए उससे ज़्यादा है तो मोटर को वो स्टार्ट नहीं होने देगा, वो एक प्रोटेक्शन रहता है। स्टार्ट्स पर आवर, हर मोटर एक डिजाइन रहता है कि 1 घंटे में मैक्सिमम उसे आप 1 या 2 बार या 3 बार, जो भी जितनी बार भी आप स्टार्ट कर पाए उतनी बार ही स्टार्ट हो। जॉगिंग, बेयरिंग आरटीडी प्रोटेक्शन, एक्सेलरेशन ट्रिप, यानी कि जो मैक्सिमम स्टार्टिंग टाइम है और जो लोड उसे लेना है तो एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा ना हो, वो एक प्रोटेक्शन रहेगा। तो आपने मोटर प्रोटेक्शन के बारे में जाना दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी हम वीडियो बनाएं तो वो आप तक पहुंच सके।